दोस्तों, अगर आप साल दो हज़ार चौबीस में अच्छा मैट्रिक पास किए, ऐसे में अगर आप मैट्रिक का स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं, तो ऐसे में अगर आप मोबाइल से अपना फॉर्म को फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से आप अपना फॉर्म मोबाइल से अपना फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे, तो आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो मोबाइल से फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के लिए आपको क्या करना है, तो मोबाइल में आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको गूगल में आपको टाइप करना है मैट्रिक 2024। मैट्रिक 2024 आप जैसे ही टाइप करते हैं, तो आपको यहां से फर्स्ट वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट वाले वेबसाइट पर जो जैसे ही आप फर्स्ट वाले वेबसाइट पर आप क्लिक करते हैं, तो यहां पर इस तरह से आपको पेज खुल कर आता है। यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये होम पेज अभी नहीं ओपन हो रहा है, होम पेज नहीं ओपन हो रहा है। तो होम पेज नहीं ओपन हो रहा है तो आपको सिर्फ अपना जो यूज़र आईडी पासवर्ड आया है, तो अपना यूज़र आईडी के माध्यम से आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ से आपको यहाँ से थ्री लाइन पर क्लिक करना है। तो थ्री लाइन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन आता है। यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन वाले विकल्प पर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से स्टूडेंट लॉगिन का पेज खुल कर आता है। तो यहाँ से आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को यहाँ से फिल कर लेना है। अपना यहाँ से पहले अपना यूजर आईडी को डालना है, उसके बाद यहाँ से अपना पासवर्ड को फिल करना है। उसके बाद यहाँ से अपना कैप्चा को ध्यान से पूर्वक से देख कर यहाँ से कैप्चा को फिल करके यहाँ से आपको नीचे आपको लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ से लॉगिन वाले विकल्प पर आप क्लिक करते हैं, तो आपका लॉगिन होगा तो इस तरह से इंटरफेस खुल कर आता है। लॉगिन होगा तो आपको इस तरह से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर आपका नाम रहता है। तो आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा डिटेल इस तरह से आपका लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट है, और सिर्फ यहाँ पर आपका फाइनलाइज एप्लीकेशन जो है कंप्लीट नहीं है, तो आपको फाइनलाइज एप्लीकेशन करना है। उसके बाद आपका पेमेंट का प्रोसेस होता है आपका, उसके बाद आपका पेमेंट आता है। तो यहाँ से आपको फाइनलाइज कैसे करना है, तो फाइनलाइज करने के लिए यहाँ से फाइनलाइज एप्लीकेशन पर यहाँ से आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप फाइनलाइज एप्लीकेशन पर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पर फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। यहाँ पर इसको यहाँ से गाइडलाइन को पढ़ लेना है, उसके बाद इस तरह से आपको टिक लगा देना है। सभी गाइडलाइन में इस तरह से टिक लगाकर यहाँ से सबमिट योर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट योर एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, तो इस तरह से आएगा यहाँ पर इस तरह से आएगा, पूरा डिटेल खुल कर आता है इस तरह से। उसके बाद आपको इस तरह से वेरीफाई और डिटेल्स आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट नेम आ जाता है, तो यहाँ पर जो भी आपका डिटेल रहेगा, तो फर्ज से आपको यहाँ से सभी में मिलान कर देना है। उसके बाद यहाँ से सभी में यस कर देना है। अगर आप ये यस नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप अपना एलिजिबल नहीं होंगे, ये आप फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर तो सभी में आपको यस कर देना, अपना डिटेल को ध्यान पूर्वक से देख कर यहाँ से अपना सभी में यस कर लेना है। इस तरह से सभी में यस कर लेना है, इस तरह से आपको सभी में आपका डिटेल को ध्यानपूर्वक से देख लेना है कि आपका कोई डिटेल गलत तो नहीं है। तो यहाँ से अपना देख कर यस कर लेना है सभी में। उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ से आपको फाइनलाइज सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो फाइनलाइज सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, तो जैसे ही आप फाइनलाइज सबमिट एप्लीकेशन पर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर रहता है, उस पर आपका ओटीपी जाएगा। तो यहाँ से अपना ओटीपी को इंटर कर लेना है, यहाँ से अपना ओटीपी को इंटर करना है। ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ से वेरीफाई ओटीपी प्रोसेस पर क्लिक करना है। यहाँ से वेरीफाई ओटीपी प्रोसेस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपका प्रिंट निकल कर आ जाता है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, आपको इस तरह से आपका प्रिंट निकल कर आ जाएगा, जो आप फॉर्म को फाइनल सबमिट किए हैं उसका प्रिंट निकल कर आ जाएगा। उसके बाद आपका पेमेंट आएगा, तो अपना एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर लेना है कि आपका यस हुआ है या उसमें नहीं। तो यहाँ से अपना एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, तो अब अपना एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ से फिर से आपको होम पेज पर आ जाना है। इसका इस तरह से आपको होम पेज पर आना है। उसके बाद यहाँ से आपको थर्ड लाइन पर क्लिक करके यहाँ से आपको यहाँ से रिपोर्ट पर क्लिक करना है। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक हेयर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक हेयर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर, तो यहाँ सब जैसे क्लिक हेयर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ से आपको इस तरह से आता है इंटरफेस व्यू एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ अ स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आता है। उसके बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देना है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका रिसिप्ट में भी रहेगा और आपका एडमिट कार्ड में भी रहेगा, तो अपना एडमिट कार्ड और रिसिप्ट में देख कर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ से फिल कर देना है। तो चलिए हम यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करते हैं। तो यहाँ
यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को डालने के बाद आपको यहाँ से सर्च वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से सर्च वाले विकल्प पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब आपका यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हम अपना फॉर्म को फाइनलाइज किए हैं तो यहाँ पर आपका यस आ जाएगा। जो भी आपका डेट रहता है आपका यहाँ पर कब डेट में आप फाइनलाइज किए हैं पर आपका इस तरह से आपका डेट भी बता दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर इस तरह से आता है आपका एप्लीकेशन मान्य है भुगतान की प्रक्रिया के लिए प्रारंभ होने तक प्रतीक्षा करें, मतलब कि प्रोसेस में है, अब पेमेंट आने का प्रोसेस में है। अब यहाँ पर इस तरह से बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अब पेमेंट आने का प्रोसेस है, पेमेंट के प्रोसेस में है। अब बाकी यहाँ पर फाइनलाइज तो हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद आपका पेमेंट प्रोसेस में होता है। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।